रमजान के आते ही टोयोटा और सुजुकी कंपनी ने दिए अपने सार्फिन को एक जबरदस्त सरप्राइज कीमतें मजीद कम कर दी गई टोयोटा के साथ साथ सुजुकी आल्टो सुजुकी वैगनार और सुजुकी स्विफ्ट की कीमतों में भी कमी कर दी गई और एक नई ऑफर लॉन्च कर दी गई है तो आप इससे कैसे मुस्फेद हो सकते हैं जानिए इस वीडियो में

तो लेट्स स्टार्ट वीडियो नाजीन रमजान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और रमजान के बाबरकत महीने के आते हुए पाकिस्तान को छोड़ के बाकी जितने भी ममालिक रमज़ान की नई ऑफर चल जाती है लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसा कोई रवाज नहीं है बल्कि ये महीना जहीराज़ों और कमाई का महीना समझा जाता है क्योंकि हमारे इस महीने के आते ही तमाम चीज़ों के रेट्स डबल हो जाते हैं खैर अब आती हैं गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के रेट्स की तरफ टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो उनकी गाड़ियों की कीमतों का तयन दो चीज़ों पर किया जाता है एक डॉलर रेट और दूसरा वहां की गवर्नमेंट के टैक्सेस नाजरीन पेट्रोल की अगर कीमत के हवाले से बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत आपको पता है कि हर पंद्रह दिन बाद तब्दील होती है और अभी जो बताया जा रहा है कि एक और नया टैक्स लगने जा रहा है जो अठारह परसेंट पे है क्योंकि जब आई एम एफ हमें कर्जा देता है तो इस कर्जे की एक शराज भी होती है कि उन्होंने वहां पर टैक्सेस लगा के जीएसटी लगा के वो कर्जा रिकवर भी करना होता है इस हिसाब से पेट्रोल पे एक नया टैक्स लगने जा रहा है जिससे पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो इसके साथ अगर टू व्हीलर और फोर व्हीलर की बात करें उसका तयीन डॉलर की रेट पे होता है और वहां के गवर्नमेंट की टैक्सेस पे होता है टैक्सेस की बात करें तो फाइनेंस डिवीजन की तरफ से एक रिकमेंडेशन आई थी जिसमें कहा गया था कि की गाड़ियों के ऊपर ऑलरेडी अठारह टैक्स है अठारह को बढ़ा के पच्चीस तक कर दिया जाए लेकिन इस समि को रिजेक्ट कर दिया गया लेकिन अभी एक और नया टैक्स एस और उन लगने जा रहा है जो जो कि जिसकी 18 लेके आपको 25 परसेंट तक उन गाड़ियों पे लगेगा जिनकी मालियत 40 लाख से ऊपर ऊपर है और ये टैक्स गाड़ियों की बेस प्राइस पे लगता है और बेस प्राइस ये होती है कि जब भी गाड़ी लॉन्च होती है उसकी एक बेस प्राइस होती है फिर उसके ऊपर टैक्स लगता है और फ्रेट चार्जे लगा के उसकी फाइनल जो प्राइस होती है वो मार्केट में आती है अगर सुजुकी के वेरिएंट की बात करें तो सुजुकी के मॉडल जी एल एक्स की कीमत इस 25 परसेंट की बात की जाए तो सुजुकी के वेरिएंट जी एल एक्स सीवीटी का मॉडल है जिसकी प्राइस तीन लाख मजीद बढ़ जाएगी जीएसटी बढ़ने से एक आम शख्स पे एक आम सारिफ पे क्या असर पड़ेगा क्योंकि जीएसटी की जब प्राइस बढ़ती है तो उसके साथ साथ वो गाड़ी खरीदना छोड़ देता है जिसकी वजह से जो टारगेट रेवेन्यू होता है वो कम हो जाता है और पामा की एक रिपोर्ट जारी हुई है पामा की रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ियों की सेल में ऑलरेडी पिछले महीने 8 परसेंट तक कमी रिकॉर्ड की गई है जिस तरह मैंने आपको बताया कि एसआरओ आर के तहत 25 परसेंट की कीमतें बढ़ेंगी लेकिन इतने इस लिहाज से डॉटर ने दिया अपने नाजरीन को एक बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज वो है रमजान ऑफर तो वन थी की बात करें तो उसकी बेस प्राइस और वो सरप्राइज ये है कि उन्होंने टोयटा के तीनों वेरियंट में बजाय कीमत के बढ़ाए उन्होंने कीमत को मजीद कम कर दिया है अंतों में ये कमी तिहत्तर हजार से शु, शुरू होकर एक लाख तैतीस हजार तक कमी कर दी गई है इस लिहाज से ये बहुत बड़ा और एक मुस्बत इम्पैक्ट है क्योंकि लोग जहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे की कीमतें बढ़ेंगी वहां पे ट्विटर ने जबरदस्त सरप्राइज दिया है अपने को इस तरह अगर की की स्पोर्टेज बात करें तो की स्पोर्टेज की ऑलरेडी कीमतों में दो 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 से लेकर तीन तीन लाख तक ऑलरेडी कमी कर दी गई है अगर ट्विटर की बड़ी गाड़ियों की बात करें तो ट्विटर ने इस लिहाज से भी मैदान मार लिया है क्योंकि सीबीयू की कीमतों में जबरदस्त कमी कर दी है दो बड़ी आती हैं जिनमें लैंड है। क्रूजर और टोयटा कैम्ब्रिज शामिल है लैंड क्रूजर एल सी थ्री हंड्रेड की बात करें तो इसमें तीन करोड़ सत्तर लाख की कमी वाक हुई है और यू लैंड क्रूजर एल सी थ्री हंड्रेड आपको बारह करोड़ में मिल सकती है हुंडई ने इस सिलसिले में पाकिस्तानी दिया उन्होंने अपने जो के कम होने की एक अफवाह चल रही थी ने अपने अपने कम कर दी है तो उन्होंने अपने एक पे किया है कम होने की खबर में कोई सदा कर नहीं है अगर सुजुकी की बात करें तो उन्होंने भी अपने सार्फिन को कुछ किसी हद तक रिलीफ दिया है सुजुकी वैगन और, और स्विफ्ट में कुछ एक रमजान पैकेज दिया जा रहा है इस ऑफर को आप कैसे अवेल कर सकते हैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं जी नजरीन ये तो था मेरा आज का वी मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि यकीन आपको पसंद आया होगा कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें वीडियो चले लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए इसके साथ ही मुहमद इदरीस को दीजिए इजाज़त दुआ में याद रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज